हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग पॉइंट में। फ्रेंड्स, इस वीडियो हम बात करेंगे किस तरह से आप जो अपना रजिस्ट्रेशन स्लिप जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल अपने मोबाइल से, और वो भी ओरिजिनल। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाइए। तो यहाँ पर आप सभी को दिखाता हूँ कि यहाँ पर किस तरह से आप जो है फर्स्ट स्टेप पूरा कर सकते हो। तो देखिए, यहाँ पर आपको लास्ट में दिख रहा होगा 3 पैरेलल लाइन, यहाँ पर जहाँ पर आपको मेनू लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर एडमिशन एंड एग्जामिनेशन जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे एडमिशन और एग्जामिनेशन पे क्लिक कीजिएगा तो आपको इस तरह से आ जाएगा, फिल एग्जामिनेशन फॉर्म वोकेशनल। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर फिल एग्जामिनेशन फॉर्म वोकेशनल है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। तो इस पर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपको 4 ऑप्शन मिलता है, जैसा आप सभी को पता है। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट में दिया गया रजिस्ट्रेशन फॉर्म नोटिस, UGPG रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म रीपेमेंट और रजिस्ट्रेशन फॉर्म पेमेंट रिसिप्ट। तो ये तीनों जो है आपका कोई काम का चीज़ नहीं है, ये फर्स्ट तीनों के काम का चीज़ नहीं है। उसके बाद आपको 4 नंबर पर जो दिया गया है रजिस्ट्रेशन फॉर पेमेंट रिसिप्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर लिखा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर एंड कैप्चा। तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ मांग रहा है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर और कैप्चा। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर और कैप्चा डाल के सर्च कीजिएगा, जैसे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर मिला होगा, रजिस्ट्रेशन कराए होंगे, तो फॉर्म नंबर डालने के बाद और कैप्चा डालने के बाद यहाँ पर आप जैसे ही सर्च कीजिएगा तो आपको जिस तरह से पेज खुलता था उसी तरह से आपको पेज खुल जाएगा। बट उसमें डिफरेंस क्या होगा, जहाँ पे फॉर्म नंबर था वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया होगा। तो वो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आया, लेकिन वो आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप की तरह बिल्कुल भी नहीं लगता, बट आपका जो है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह पर फॉर्म नंबर की जगह पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया। तो वो मैं आप सभी को दिखाता हूँ, वो ऐसा होगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर पहले आप जो करते होंगे तो पहले आपको जिस तरह से फॉर्म नंबर डालने के बाद आपको इस तरह से पेज आता होगा, जिसके पास आपको जो है सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिखा रहा, सिर्फ फॉर्म नंबर दिखाता। तो अगर आप फिर से उसमें अभी जो है फॉर्म नंबर डालने के बाद अगर आप चेक कीजिएगा, ये जो फॉर्म नंबर था आप सभी का, वो अगर फॉर्म नंबर डालने के बाद अगर आप चेक कीजिएगा तो आपको फॉर्म नंबर नहीं बल्कि रजिस्ट्रेशन नंबर दिखेगा, जो आप सभी को दिखाता। अगर आप फिर से देखिएगा तो फिर से आपको फॉर्म नंबर जो है, फॉर्म नंबर की जगह पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिखेगा, जो आपको इस तरह से मिलेगा। देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो ये आपका जो है चेंज हो चुका। अब मैं दिखाता हूँ रजिस्ट्रेशन स्लिप, यहाँ से आप अगर देखते हैं तो वहाँ पर सिर्फ आपको फॉर्म नंबर की जगह पर रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा रहा है। तो अगर अब मैं दिखाता हूँ कि आप किस तरह से डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हो, तो उसके लिए मैं आपको एक लिंक बताता हूँ। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को एक लिंक बताता हूँ जो आपको स्टेप बाय स्टेप, आप उस लिंक को लिख लीजिए और उस पर आप जो है कैसे सर्च कर सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ क्या करना है, http://ppup, ये जो लिंक है फ्रेंड्स, ये इस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको जो है आपका साइट खुल के आ जाएगा। तो देखिए, ये जो लिंक है यहाँ दिया गया है http://ppup online, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ppup online.in/registration। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक डैश दिख रहा हो जो नीचे में है, ठीक है, उसके बाद स्लिप, उसके बाद .php, उसके बाद व्हाट का सिंबल है, उसके बाद FORMID, उसके बाद = का साइन है। यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है इसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका जो भी है, जो भी फॉर्म नंबर था, वो फॉर्म नंबर यहाँ पर आप जैसे डालिएगा 5678, जैसे यहाँ डालती है 5678, 5 नंबर का होता है 9, ये 5 नंबर हम डालते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमें एक रैंडम डाल दिया हूँ, जिस पर आप जैसे ही सर्च कीजिएगा तो आपको एक खुल के आ जाएगा। जैसा कि आप सभी फ्रेंड्स देखें, जैसे http. जैसा कि आपको एक लिंक अभी तुरंत बताया था, उस लिंक पर आप जाने के बाद जो है उस तरह से आप खोल सकते हैं। मैं एक जो 5678 रैंडम डाल के फॉर्म नंबर क्लिक किया था, जिसमें एक स्टूडेंट्स का आ गया था, जो मैं आपको दिखाना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। तो आप किसी भी तरह से आप जो अपना जो आपको लिंक बताए हैं उसको आप देख करके, और उसके बाद आपको लास्ट में जो आपको फॉर्म नंबर डालने के बाद आपको सर्च कर देना है, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा।